अरे सिद्दीकी, क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? वुजू इस तरह किया जाता है? अरे कल इतने एहतमाम से प्रिंसिपल के पास गए थे, अदब से खड़े थे, आज अल्लाह के दरबार में जाना है और इस तरह वुजू करेंगे? ना सुन्नत की रियायत है, ना अदब की रियायत है। वुजू में इस चीज़ का एहसास ज़रूरी है कि आप अल्लाह के दरबार में हाजिर होने जा रहे हो, उस एतबार से वुजू करो। मैं आपको सिखाता हूँ कि वुजू किस तरह किया जाता है, सीखेंगे ना? देखिए मैं किस तरह वुजू करता हूँ। सबसे पहले आपको नियत करना है कि मैं वुजू कर रहा हूँ अल्लाह के दरबार में हाजिर होने के लिए। दिल से नियत करना काफ़ी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह बोलते हुए सबसे पहले 3 मरतबा ये हाथ धोने हैं। हाथ धोने के बाद कुल्ली करना है, और कुल्ली में मकसद कुल्ली का है कि मुंह साफ़ हो जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए हमेशा मिसवाक का अहतमाम किया है, और फजीलत में ये भी बतलाया है कि उसकी वजह से आपकी नमाज़ 70 गुना उसका सवाब बढ़ जाता है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसका इस्तेमाल किया ताकि मुंह अच्छी तरह साफ़ हो। मिसवाक को पकड़ने का तरीका यह है कि आप उसको इस तरह पकड़ें और उसको घसने के टाइम पे इस तरह मलें, ऊपर नीचे ना मलें, ताकि आपके मसूड़े में तकलीफ ना हो जाए, और हर मर्तबा उसको धोएं। ठीक है, मिसवाक करने के लिए हर मर्तबा उसको धो के रखना ज़रूरी है, बगैर धोए उसको नहीं रखना चाहिए। और अगर आप मिसवाक ना हो तो आप उंगलियों के जरिए दांतों की सफाई कर दें। कुल्ली करने में एहतमाम करें ताकि मुंह पूरी मुंह के अंदर पानी अच्छी तरह घूमे और अच्छी तरह सफाई हो, और ये 3 बार करना। अगर रोज़ा ना हो तो गरारा भी करें ताकि अच्छी तरह सफाई हो सके। उसके बाद नाक के साफ करने का मसला है। नाक के लिए इस्तिंशाक का लफ्ज़ आया है, आपको उसके तरीका यह है कि आप उसको दाएं हाथ से इस तरह पानी नाक में चढ़ाएंगे और उल्टे हाथ से नाक को साफ करेंगे, ऐसे 3 बार करेंगे, और फिर छोटी उंगली से नाक की सफाई करेंगे। ठीक है, आप देखिए उसके बाद आपको चेहरा धोना है, चेहरा 3 मरतबा धोना है। ये बालों जहाँ आदतन यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, और ये कान के लोह से ये कान के लोह तक, पूरा चेहरा आपको 3 बार धोना है। ठीक है, दाढ़ी आपकी हल्की है तो जहाँ खाल नजर आ रही है वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। घनी दाढ़ी है तो ऊपर के बालों तक ही बाल पानी पहुँचा देना उतना काफ़ी है, लेकिन उसमें भी खिलाल करना ज़रूर सुन्नत है। देखिए मैं किस तरह करता हूँ। ये आपका 1 मरतबा हुआ। इस जगह पे जहाँ पानी कम पहुँचता है वहाँ पे पहुँचाएं, और ये कानों के पास ये जो हिस्सा है यहाँ पर पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पर रह जाता है, और खिलाल उसमें आखिर में ज़रूरी है, सुन्नत है। इसको इस तरह खिलाल करेंगे और अंदर से इस तरह इसको ही निकालेंगे, ये खिलाल का तरीका है। इसके बाद आपको 3 मरतबा हाथ धोना है। हाथ धोने में दाएं हाथ से शुरू करें और दूसरे बार बाएं धोएं, और हाथ धोने में उंगलियों से शुरू करें, उंगलियों से कोहनी की तरफ आए, उल्टा ना जाए। जिस तरह देखिए कोहनियों तक ये पूरे हाथ धुल जाना चाहिए अच्छी तरह, और उसके बाद उल्टा हाथ। उसके बाद उंगलियों में हाथों का खिलाल हाथ में लें और इस तरह करके आप यहाँ तक ले लें। ये एक ऐसी सुन्नत है जो आमतौर पर लोग करते नहीं हैं, ये सुन्नत है खिलाल करना। उसके बाद आपको सर का मसा करना है। सर का मसे का तरीका ये है कि आप हाथ में पानी लें और उसको ये जो 3 उंगलियाँ हैं इसको सर के शुरू हिस्से पर रखें और उसको पीछे तक ले जाएं, फिर इस हिस्से से आपको वापस आना, और उसके बाद ये जो उंगली है आपकी उससे कान साफ करने हैं, और इस वाले हिस्से से आपको कान के पिछले हिस्से पे करना है, और ये जो वाला हिस्सा है इससे आपको गर्दन का मसा, गला का मसा करना मकरूह है लेकिन गर्दन का मसा करना सुन्नत है। आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। इसको इस तरह कीजिए, यहाँ रखिए और यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले गए, फिर उसके बाद ये आए, अब ये उंगली आपकी है, इससे कान का पूरा इस तरह लीजिए, इस हिस्से से ये पीछे का लीजिए, और ये जो हिस्सा बचा है उससे आप ये पीछे की गर्दन इस तरह, ये आपका मसा हो गया। पैर धोने में भी दाएं पैर को पहले धोएंगे फिर बाएं पैर को, और उसमें भी उल्टे दाएं हाथ से पानी डालेंगे और उल्टे हाथ से मलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर एक गड्ढा होता है पैरों में, तो उसमें खास तौर पे वहां पर पानी पहुंचाना जरूरी। देखिए
پیر دھونے کے بعد یہاں پر بھی خلال کی سنت ہے. تو خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لیں اور اس طرح پانی ڈالتے جائیں اور خلال کرتے جائیں, حالانکہ پانی پہنچ جاتا ہے لیکن یہ ایک سنت ہے. یہ آپ کا الحمدللہ وضو سنت کے مطابق پورا ہو گیا. اگر اس اعتبار سے آپ وضو کریں گے تو سنت یہ وضو کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتوں سے نماز میں خشوع بھی پیدا ہوگا. ارے رکو, یہ تو وضو کیا لیکن کچھ چیزیں پڑھنا بھی ضروری ہے. جیسے وضو شروع کیے تھے ہم نے بسم اللہ پڑھے تھے, اسی طرح وضو کے درمیان ایک دعا ہے مسنون ہے, وہ پڑھتے رہنا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. ووسع لی فی داری, اور میرے گھر میں خوشادگی پیدا فرما. وبارک لی فی رزقی, اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. یہ وضو کے درمیان پڑھنا ہے, بڑا مجرب عمل ہے, اس سے سب چیزوں میں برکت ہوتی ہے. اور جب وضو ختم ہو جائے, ہم وضو کر کے فارغ ہوئے, تو پھر ہمیں پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کریں. اور پھر ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ دعا پڑھ لیں کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا. ٹھیک ہے, کریں گے. اور اس کے بعد ایک حدیث اور سن لیجئے. وضو کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی بات نہ کرے اور جا کے بغیر مکروہ وقت میں دو رکعت نماز پڑھ لے تو یہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں ہے آپ کو؟ کریں گے ایسا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم.